दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। सदर विधानसभा क्षेत्र के धारटटो में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शिरकत की। इस दौरान राजेश धर्माणी ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को अवगत करवाया और लोगों से आग्रह किया कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाएं। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती थी पिछले कई सालों से, शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हुई। वो कुछ छोटा मोटा जो एडजस्टमेंट करके उनको दोबारा से जो है वो जो पहले ठेकेदार थे उन्हीं को दोबारा से ठेके दे दिए जाते थे। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम जो है इनकी नीलामी करेंगे और नीलामी करने से लगभग 800 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त राजस्व जो है एक साल में हमारे खजाने में आने वाला है। 800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो। हमने छोटे छोटे खर्चों पे भी अंकुश लगाया। जब हमारी पहली कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई, कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग हुई सरकार बनने के बाद, उस मीटिंग में विधायकों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि जो हिमाचल भवन, हिमाचल सदन या रेस्ट हाउस में हमें कम दाम के ऊपर जब आम हिमाचली ज्यादा पैसे दे सकता है तो हम भी क्यों उनके बराबर ना दें। और ये फैसला उस प्रस्ताव के माध्यम से जो है सरकार ने लिया कि जितना पैसा एक आम आदमी पे करता है रेस्ट हाउस में या किसी हिमाचल भवन करना शुरू कर दिया है। सबसे मुश्किल काम था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, ये सबसे मुश्किल काम था, उसको सबसे पहले लागू किया गया। दूसरी योजना, दूसरा हमने जो वायदा किया था वो था स्टार्टअप योजना का 680 करोड़ रुपए की, जो ई टैक्सी का, सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा स्टार्टअप योजना का जो दूसरा वायदा था, दूसरी गारंटी थी, उसमें हमने ये करना शुरू कर दिया। और तीसरी गारंटी थी जो विधानसभा, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-4 स्कूलों में जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, उसको भी लागू कर दिया है। और अध्यक्ष सत्र से हर स्कूल के अंदर जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी, जैसे मेरे से पूर्व विधायक साहब ने कहा। तो ये तीन गारंटियां तो पूरी करती है। और चौथी गारंटी जो है वो लाहौल स्पीति से हम उसको ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, जो महिलाओं को 1500 रुपए महीने का देना वहां से लागू कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें सुधार करने की जरूरत है और उनको सीकर जो है वो पूरा किया जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास संसाधन आते जाएंगे वैसे वैसे सारी गारंटियां पूरी होंगी। दूध खरीदने की योजना हमने बनाई, अभी कांगड़ा के डगवार में 225 करोड़ रुपए का एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है, एक साल के अंदर अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा। और दूध खरीदेंगे तो दूध खरीदने से पहले ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि उस दूध का करेंगे क्या, उसकी प्रोसेसिंग के लिए पहले प्लांट लगा रहे हैं। गोबर खरीद योजना से बनाई है, भाजपा वाले इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर मजाक क्यों उड़ाते हैं भाई, अगर हम चाहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, किसानों को हम कोई ना कोई लाभ दें, जो पशुपालक हमको मदद कर पाए, इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है। इसमें तो हमारी उनको सहायता करनी चाहिए, हमारे साथ खड़े होना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये किसानों की बेहतरी के लिए है, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से ये योजना जो है वो बनाई जा रही है। बहुत जल्दी जो है उसको भी लागू करेंगे और बाकी भी सारी योजनाएं लागू हो जाएंगी। और जिस दिन 10 गारंटियां पूरी लागू हो जाएंगी उस दिन फिर भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो निस्तेज होकर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके बाद उनको फिर गुमराह करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी अगर ताकत है तो ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं और भगवान का इस्तेमाल करके जो है राजनीति करते हैं। आजकल राम मंदिर जी का, राम मंदिर। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।